हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? मुझे आज इतनी खुशी हो रही है क्योंकि कैमरे के सामने बोलना ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कैमरे के सामने बैठ के अपने मन की बात बोलते हो ना, तो अलग सी फीलिंग आती है। तो इसी खुशी में मैं आज का ब्लॉग शुरू करता हूँ। मेरा नाम है पुण्य गिल, मैं एक स्विगी राइडर हूँ। स्विगी में आने के पीछे मेरी एक छोटी सी कहानी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस, कहानी ये है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था ना, वो कंपनी बंद हो गई थी। आपको पता ही है कि लॉकडाउन में ना बहुत सी कंपनियां बंद हो गई थी, तो ऐसे ही हमारी भी कंपनी बंद हो गई थी। तो उसके बाद मैंने बहुत जगह ट्राई किया जॉब के लिए, तो मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं कुछ टाइम घर पे बैठा, तो मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को बोला कि अगर तू स्विगी में काम करना चाहता है तो मैं तेरे को स्विगी में लगवा देता हूँ, अगर तू इंटरेस्टेड है स्विगी में काम करने के लिए। तो फिर मैंने बिना सोचे समझे स्विगी ज्वाइन की और अपने जो घर के हालात थे उनको थोड़ा सही किया। और आपको पता ही है कि घर में अगर कोई बड़ा हो ना, तो उसका एक अलग ही रोल होता है। तो घर में माँ बाप होते हैं, उनका अगर आपके सर पे हाथ हो ना, तो आप बेफिक्र होकर कहीं ना कहीं घूम सकते हो। तो मुझे पता है कि मेरे फादर साहब नहीं हैं, तो जो घर के हालात हैं वो मुझे देखने पड़ते हैं, क्योंकि घर की कंडीशन मेरे को ही देखनी पड़ती है, क्योंकि घर में बड़ा मैं ही हूँ, तो इसीलिए सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आती है। तो गाइस, फिर मैंने तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉगिंग शुरू की है कि मेरे को आप लोगों के साथ बातें अपनी शेयर कर सकूं और अपने जो मन की बातें हैं आप लोगों को बता सकूं। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है कैमरे के आगे बैठ के आप लोगों से बात करना। तो प्लीज़, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपको प्राउड फील होगा कि एक स्विगी का एक राइडर आपके लिए एक नया कंटेंट लेके आ सकता है। तो आपको अच्छा अगर लगे तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना, और आपके लिए नए नए कंटेंट मिलेंगे मेरे इस ब्लॉग चैनल पर। आपको नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाने के लिए, नया लाऊं और कुछ नया करने का सोचूं। तो मिलता हूं फिर मैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।